वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग नाउन एंड द केस पढ़ने वाले हैं। ये केस जो है ये काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को केस में डिफिकल्टी लगती है। आज हम लोग पूरा डिटेल में उसको स्टडी करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। और दोस्तों आज का सेशन अगर आप लोगों ने पूरे अटेंशन से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग इसको देखेंगे, अटेंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये केस जो है ये कभी भी आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए नाउन एंड द केस। तो केस का मतलब क्या होता है? देखिए केस मतलब कारक, ठीक है। हिंदी में इसको, केस को हम लोग कारक कहते हैं। कारक क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर आप एक शब्द में इस केस को मैं बताऊं तो इसका एक हिंदी इसका मतलब आप संबंध से समझ सकते हैं, या फिर एक रिलेशन, ठीक है। केस मतलब एक संबंध या एक रिलेशन। एक रिलेशन कैसे रिलेशन, इसको स्टडी करते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या है, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है इसके डेफिनेशन में, द रिलेशन। एक रिलेशन की बात हो रही है, कैसे, इन व्हिच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। किस तरह से एक नाउन जो है वो दूसरे शब्दों से किस तरह से वो जुड़ा हुआ है, उसका कैसे दूसरों शब्द, दूसरे जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर उससे कैसे उसका रिलेशन है, वही कहलाता है केस। हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, द रिलेशन इन व्हिच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। एक ऐसा रिलेशन जिसमें नाउन जो है दूसरे शब्दों के साथ जुड़ा रहता है, और द चेंज, इसको आप या तो एक रिलेशन बोल सकते हो केस को, या फिर एक चेंज, किस प्रकार से चेंज होता है, चेंज ऑफ फॉर्म बाय व्हिच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड। मतलब केसेस जो होते हैं अलग अलग केस में किस तरह से नाउन अपना फॉर्म चेंज कर देता है, वो सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक नाउन का किस तरह से दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन होता है सेंटेंस में, वही केस कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पूरा डिटेल में आप लोगों को। आज जो है ये केस का पूरा केस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग देखिए आगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं काइंड ऑफ केस, कितने तरह के केस होते हैं। तो चार केसेस होते हैं, देख लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, चार फोर काइंड ऑफ केसेस होते हैं। फर्स्ट जो केस है वो होता है नॉमिनेटिव। फर्स्ट जो केस है वो है आपका नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्ट आपने सुना होगा, सब्जेक्ट आप देखिए सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, चलिए। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक जो नॉर्मल सेंटेंस की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बीच में फिर उसमें प्रीपोजिशंस भी होता है, वो डिटेलली हम लोग देखेंगे, पर एक नॉर्मल, ठीक है, सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और वर्ब हिंदी में सेंटेंस के पार्ट होते हैं। कर्ता हो गया आपका, ये क्रिया हो गया, और फिर ये यहां पर आपका कर्म। तो ये तीन मेन पोजीशन है, एक तो आपका हो गया क्रिया, हो गया एक्शन, हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सब्जेक्ट जो है उसकी जगह पर हम किसी नाउन को बिठा देते हैं, सब्जेक्ट की जगह किसी नाउन को हम लोग प्लेस कर देते हैं, या फिर सब्जेक्ट की जगह हम किसी प्रो नाउन को भी लगा देते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखने वाले हैं, पूरा डिटेल में आप लोगों को स्टडी हम लोग देखने वाले हैं, पूरा करने वाले। देखिए तो सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन होता है, बस अभी हम ये दो चीजें याद रखें कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट की जगह पे नाउन लगा सकते हैं या फिर प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट पे नाउन आ जाएगा या फिर कोई प्रोनाउन आ जाएगा। सिमिलरली आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम लोग या तो नाउन लगा सकते हैं या फिर प्रोनाउन कोई प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो अब आप देखते हैं यहां पर केसेस में, देखिए फर्स्ट नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, सॉरी नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग काफी सारी किताबों में उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस भी होता है। सब्जेक्टिव केस का अगर एक आसान तरीके से समझना है तो ऐसे देखो आप कि जब भी हमने नाउन को सब्जेक्ट की जगह पे लिया तो वो सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपने किसी नाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर लिया तो वो सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। सिमिलरली यदि आप किसी नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेते हो, नाउन और प्रोनाउन दोनों, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन किसी को भी अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे बिठा रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। नाउन और प्रोनाउन दोनों को यदि आप किसी सब्जेक्ट की जगह बिठा रहे हो तो वो सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। देखते हैं भाई नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर डेफिनेशन की देख लेते हैं। देखो इन नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस आर नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। नॉमिनेटिव केस के अंदर क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट और वर्ब उस क्रिया के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आई रिपीट, आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के अंदर आपका जो भी नाउन है या जो भी प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर काम करता है, किसके सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और वो क्रिया के लिए काम करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ आप लोगों को भाई। सीधी सी बात है, नॉमिनेटिव केस है इसका मतलब आपका जो भी नाउन है वो सब्जेक्ट के लिए है, वो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो आपका नाउन और प्रोनाउन जो है वो काम करेगा कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और किसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्ब के, उस जो वर्ब है वो किसको डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब आपके नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगे हुए हैं। अब देख लेते हैं पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या होता है, व्हेन नाउन शोज इट्स रिलेशन और पजेशन ऑन अनदर नाउन। हम पजेसिव केस समझते हैं, इससे पहले हम लोग पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख के एक एक चीज को क्लियर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये भी हम लोग देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग नॉमिनेटिव केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब आपके नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहे हैं वर्ब में, उस कंडीशन में नॉमिनेटिव केस माना जाएगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ये एग्जांपल देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रवि रोट मैनी नॉवेल्स, ठीक है, क्या बात हो रही है, रवि जो है, रवि रोड मैनी नॉवेल्स, रवि ने काफी सारे जो नॉवेल्स हैं वो लिखे हुए। अब आप देखें रवि, रवि क्या है आपका नाउन है, रवि कहाँ है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है। किसने लिखा है रोड, किसने लिखा है, किसने लिखा हुआ है नॉवेल्स, रवि ने लिखा हुआ है। तो ये रवि जो है आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव केस माना जाएगा, रवि आपका यहाँ पर क्या माना जाएगा सब्जेक्टिव केस। वैसे ही यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, he has gone to Delhi, अब यहाँ पे gone गया, gone गया, he क्या है यहाँ पर, he है आपका pronoun, he आपका क्या है pronoun, और ये जगह कौन सी है, कौन सा स्थान है सब्जेक्ट, कौन सा स्थान है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह आपका
एक एग्जांपल और देखते हैं, आई आई लाइक गेम्स, आई लाइक गेम्स। अब आप देखें यहां पे ये आपका है सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट पे आपका आ गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट की जगह पर आपका आ गया प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है आपका सब्जेक्ट इन केस, मतलब सरल भाषा में समझना है कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया तो वो माना जाता है सब्जेक्टिव केस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब आप देखिए हियर नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, ये भी इजी है भाई, आपके नाउन और प्रोनाउन अगर आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना तो वो माने जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल देख लेते हैं, ही हेल्प कुणाल, उसने किसकी मदद की, कुणाल की, तो देखो हेल्प हेल्प हुआ, हेल्प आपका वर्ब है, किसको हेल्प किया, कुणाल को हेल्प किया, कुणाल कहां पर है यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर, क्या है कुणाल ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो कुणाल क्या हो जाएगा यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन हो। देखो इधर ये आई टीच हर, ये आपका प्रोनाउन भी है लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो आपका प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्लियर है। पजेसिव केस की हम लोग बात कर लेते हैं, आप देखिए व्हेन नाउन शोज इट्स रिलेशन और पोजीशन ऑन अनदर नाउन, जब कोई एक नाउन अपना एक रिलेशन या एक पोजीशन शो करता है किसी दूसरे नाउन के ऊपर तो वो फिर कहलाता है पजेसिव केस। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, This is Mohan's book. किसकी बुक है ये? Mohan's book. She is his wife. She is his wife. देखो ये एग्जांपल को यहाँ पे लिख के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, This is Mohan's book. अब ध्यान से देखिए आप लोग एक बार कि यहाँ पे this is Mohan. Mohan जो है आपका क्या है? एक तो नाउन है, मोहन किसी का नाम है, तो मोहन एक तो आपका नाउन है, ठीक है। दूसरा मोहन काम क्या कर रहा है, मोहन एक पोजीशन दिखाने के लिए बता रहा है, क्या पोजीशन की, ये जो बुक है ये किसकी बुक है, तो ये मोहन की बुक है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, हिंदी में अगर हम देखें का या के या फिर की आ रहा है ना, जब पोजीशन शो करना मतलब क्या, का रिलेशन शो करना कि किसकी है, उसका पेन है, ठीक है, का के की से हम लोग इसको संबंध कारक को समझते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लिखना है तो apostrophe s आएगा, अगर इंग्लिश में हमको ये शो करना है कि ये किसकी कार है या ये किसकी बुक है, ये किसका पेन है, तो ये मोहन का पेन है, राहुल का पेन है, रोहित रोहित का पेन है, तो जब उसकी रिलेशन हमको शो करनी होती है तो हम लोग उसमें apostrophe s लगा के शो करते हैं। लेकिन ये ऐसे जो केसेस जो पोजीशन शो करते हैं नाउन उसमें लगाया जाता है, पोजेसिव केस के अंदर आपका है, ठीक है, पोजेसिव केस। एग्जांपल ये है, दिस इज मोहनस बुक। अगर वैसे ही हम लोग किसी प्रोनाउन को लेते हैं तो आप देखिए यहां पर शी इज हिज वाइफ, किसकी वाइफ है, हिज, तो ये आपका हिज यहां पे प्रोनाउन। तो ये केसेस जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए उपलब्ध है, दोनों के लिए काम में आते हैं, ठीक है, दोनों के लिए एक जैसे ही एक्ट करते हैं भाई, जो भी नाउन होगा, ठीक है, रिपीट करते हैं तीनों चीजें जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये तीन मेन है, ठीक है। अगर आपका नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की जगह पर है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, यदि आपका नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और यदि आपका नाउन और आपका प्रोनाउन पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है, रिलेशन शो कर रहा है पोजेसिव के फॉर्म में तो वो पोजेसिव केस कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए या तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पूरा नोट करिए एक सेकंड के लिए, आपके सेशन को स्टॉप करें, वीडियो को स्टॉप करिए और ये पहले पूरा नोट करिए।
केस जो है काफी कई कई बच्चों को जो है ये टफ लगता है, लेकिन केवल ये इतना टफ है इसी है, बस ये है कि जहां इसकी जो पोजीशन है उस हिसाब से उनके कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर एक साइड में हम लोग वही करने वाले हैं, पूरे प्रोनाउंस को पूरा एक केस का टेबल बना के हम लोग करने वाले हैं। आप देखें ठीक है, हमने क्या किया इसको तीन पार्ट में हम लोग चलिए। इससे पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, इसमें जो है अलग तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। ये देखिए वोकेटिव केस हो गया है ना, वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक, संबोधन का के किस है ना, संबोधन इसमें किया जाता है। देखो संबोधन में एक एग्जांपल दिए देखो, और इसका डेफिनेशन क्या है, इफ अ नाउन इज कॉल्ड, यहां पे कॉल्ड का मतलब है पुकारा जाना, नाउन कॉल्ड मतलब पुकारा जाना, किसी चीज को बुलाना। जैसे ये देखिए आप एक एग्जांपल से समझ में आएगा ये होता क्या है, कम हियर लोकेश, आप पुकार रहे आर यू कमिंग सुरेश, ओके। तो जैसे आप उसको कुछ पूछा आपने, उसके बाद उसका नाम लिख दिया, ठीक है, जैसे आर यू कमिंग ब्रदर, आर यू इन माई फ्रेंड, आर यू इन माई फ्रेंड, आर यू देयर माई फ्रेंड, ठीक है, फोन पर आपने बोला आर यू देयर माई फ्रेंड, तो जब आप माई फ्रेंड कम हियर जैसे मुकेश या किसी को नाम से पुकारते हैं, प्लीज कम हियर राहुल, ठीक है, टॉक टू मी अंकल, टॉक टू मी अंकल, स्टॉप अंकल, तो उसको लास्ट में अगर आप किसी नाम कॉल कर रहे हो, आप पुकार रहे हो, तो वो आपका वोकेटिव केस आएगा। स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए क्वेश्चंस हैं। चलिए फिलहाल हम लोग यहां देख लेते हैं, एक इसके कांसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप समझिए उसके बाद फिर नोट करिएगा, ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, ठीक है, मैं मान लो एक कोई भी नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं, तो सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है कि सेंटेंस के जो है कितने पार्ट होते हैं सर, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो पार्ट है ये, देखिए इससे हम लोग कारण जो हमारा केस जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से, एकदम स्टार्टिंग जीरो लेवल से हम कर रहे हैं भैया, सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, दूसरा जो उसका पार्ट है वो प्रेडिकेट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं एग्जांपल से इसको समझते जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि शी टॉक्स इन English, ठीक, she talks in English, ये हमारा example हो गया। अब आप देखें subject क्या है इसमें, तो देखो subject इसमें she क्या हो गया आपका subject, but she क्या है, she pronoun है, मतलब आपका subject जो है pronoun हो सकता है, कोई issue नहीं है, subject जो है he हो सकता है, I talk in English, we talk in English, they talk in English, जितने भी pronoun है वो सारे आपके subject की जगह आ सकते, बारे में बात की जाए हिंदी में हम लोग कर्ता, कर्ता धर्ता बोलते हैं ना, घर के कर्ता धर्ता जो है हमारे बुजुर्ग हमारे दादाजी होते हैं जो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, कर्ता धर्ता कौन हूँ मैं हूँ, आप मुझसे कुछ समझ रहे हैं, तो कर्ता धर्ता कौन है यहाँ पे आप है, मतलब उस वाक्य के अंदर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो होता है कर्ता, वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है वो सब्जेक्ट, जैसे माय ब्रदर इज अ पुलिसमैन, मेरे जो भैया है वो कौन है, वो पुलिसमैन है, किसकी बात हो रही है भैया, कौन पुलिस है, माय ब्रदर, तो माय ब्रदर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रेडिकेट में बाकी सारा पार्ट, प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के अलावा आपके जो वाक्य के अंदर जितने भी शब्द है, जितने भी बाकी के जो पार्ट है वो सारे आपके प्रेडिकेट हो गए। अब क्या होता है, हाँ एक एग्जांपल हमने ये वाला लिया, क्लियर, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक लेते हैं
संबंधित है। विमोहन कौन है? मेरा मित्र है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन हो गया। बाकी की चीजें क्या हो गई? प्रेडिकेट हो गई। अब मोहन मतलब आप देखिए कि सब्जेक्ट में हमने यहाँ प्रोनाउन भी बिठा के रखा है और सब्जेक्ट की जगह पर नाउन भी होता है। सब्जेक्ट जो है आपका नाउन भी हो गया और प्रोनाउन भी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। प्रेडिकेट की अगर हम लोग बात करें तो प्रेडिकेट को भी के वो पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? वो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्ब होता है। वर्ब मतलब क्रिया, कोई काम। वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, कोई कार्य होना, कोई भी काम करना। ईट, स्लीप, टॉक, वॉक, जंप, ठीक है, अंडरस्टैंड, लिसन, के ये सारे जो है वर्ब होते हैं। फिर बच्चा क्या होता है? क्रिया के बाद जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। जो भी कर्म, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। अगर यहां इस सेंटेंस की बात करें हम लोग, ठीक है, जैसे मोहन इज माय फ्रेंड, तो यहां पे मोहन तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और माय फ्रेंड कौन है? मेरा मित्र। मेरा मित्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? मेरा मित्र आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है कि मोहन इज माय फ्रेंड, तो हु कौन, कौन जैसे जैसे शी टॉक्स इन इंग्लिश, हु कौन, कौन बात करता है, तो कौन का जो आंसर देता है हु, हु का जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट से आता है ना। हु, हु का जो उत्तर आता है कौन। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये फाउंडेशन है दोस्तों। ये फाउंडेशन आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन फाउंडेशन के ऊपर ही बाकी की सारी चीजें होती है। ठीक है, फाउंडेशन के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप लोग सब ध्यान से इसको सुने कि ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या बेसिकली प्रश्न का उत्तर है भाई कौन। जैसे शी टॉक्स इन इंग्लिश, कौन बात करता है इंग्लिश में, वो करती है, तो ये वो कौन हो गया? सब्जेक्ट जो है आंसर देता है हु वाले प्रश्न का। वैसे इधर देखो आप, मोहन इज माय फ्रेंड, कौन है मेरा दोस्त? मोहन है, तो हु का आंसर हो गया आपका सब्जेक्ट। ये क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखें, शी टॉक इन, अच्छा यहां ऐसा आएगा, शी टॉक्स इन इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, तो आप इसकी बात करते हैं। मोहन इज माय फ्रेंड, यानी कौन, एक तो कौन है मेरा दोस्त? मोहन है। क्या है मोहन? मोहन क्या, क्या व्हाट, क्या माय फ्रेंड, तो क्या उत्तर जो है वो प्रेडिकेट देता है। प्रेडिकेट से किसको, किसका व्हाट का आंसर मिलता है, क्या का उत्तर हमको प्रेडिकेट से मिलता है। मेरे दोस्तों सब सेंटेंस दो हिस्से में हमने बांट दिया, एक होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में पूरा वाक्य बात कर रहा है, और दूसरे में दूसरा होता है प्रेडिकेट, उस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी के जो वर्ड्स हैं वो सारे प्रेडिकेट होते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, कौन का आंसर दे रहा है सब्जेक्ट, और ये जो क्या है ये ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, क्या क्या हो रहा है उसका आंसर दे रहा है ऑब्जेक्ट। ये आपका बिल्कुल फाउंडेशन लेवल का बिल्कुल बेसिक था, ये क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे सर केस का इसका क्या लेना देना, तो वो भी हम लोग समझते हैं केस का इसका क्या लेना देना। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, नियम तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, तीन कौन कौन से पार्ट, आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए तीन पार्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्पेस कर लेते हैं थोड़ी। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, हम लोग समझते हैं कि जैसे आई लाइक माय, आई लाइक हिज नेचर। अब आप देखिए
देखो सब्जेक्ट आई, ये तो आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हिज क्या है और नेचर क्या है, ठीक है। हिज आपका हो गया पोजीशन, ठीक है। यहाँ देखो आई जो है सब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये जो आपका आई जो है ये आपका सब्जेक्ट केस भी माना जाएगा। आई जो है आपका सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा आई सब्जेक्टिव केस? क्योंकि आई को हमने सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। आई का काम जो है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह रखा है, तो वो आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। अब आप इसको हिज को देखिए, हिज आपका हो गया पजेसिव केस। क्या हो गया? पजेशन शो कर रहा है। इसका नेचर, उसका नेचर, ये पजेसिव केस पजेशन शो कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव भी इसको कहा जाता है, लेकिन यहां पे पजेसिव केस की बात हो रही है, ठीक है, पजेसिव केस। और जब ऑब्जेक्ट नेचर भी आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है, नेचर भी क्या है, नाउन है। तो नेचर की अगर जरा देखो तो ये नेचर आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इसका पूरा एक केस का टेबल बनाते हैं और उसको फिर आगे हम लोग समझते हैं।